आई एम ज्वाइंट बाय परीसा निसार। परीसा निसार के बारे में मैं बताऊं कि इनका ताल्लुक टंगडार से है, टंगडार कुपवारा का बॉर्डर एरिया है, और जाहिर सी बात है कि जब यहाँ से कोई टैलेंट हमारे सामने आता है तो न सिर्फ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए बड़ी बात होती है, अपने इलाके के लोग भी खुश होते हैं, और बॉर्डर एरिया का जब टैलेंटेड प्लेयर हो उसकी एनकरेजमेंट के लिए हमेशा हम चाहते हैं कि वो आगे बढ़े। परीसा निसार जी, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। बताइए, आपने जो फेडरेशन कप में जो गोवा में मुनाकिद हुआ, आपने किस डिसिप्लिन के तहत ये हासिल किया, कौन सा गेम आप खेल रहे हो, कब से खेल रहे हो और क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम परीसा निसार। तो मेरा गेम जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया वो उसका नाम पेंचिक्स लाट है। वो मार्शल आर्ट्स की एक गेम है जिसमें मैंने जूनियर कैटेगरी में खेला जी, तो उसमें मेरा गोल्ड मेडल आ गया। तो ये बताएंगे कि ये कब से ये स्पोर्ट होता क्या है, और ये भी बताइए कब से आप खेल रहे हो ये? जी ये स्पोर्ट्स मार्शल आर्ट का एक गेम है जिसमें इंसान सेल्फ डिफेंस के लिए सीखता है। इसमें मतलब किकिंग, पंचिंग और थ्रो के पॉइंट्स मिलते हैं। किक का 2 पॉइंट मिलता है, पंच का एक और थ्रो के 3 पॉइंट मिलते हैं इसमें। और मेरे को इसे खेले हुए लगभग 4 साल हो गए। तो ये बताए, बॉर्डर एरिया से ताल्लुक रखते हैं आप, और कितना चैलेंजिंग टास्क था आपके लिए और इस गेम को कंटिन्यू करने में, और इस गेम की टाइम ड्यूरेशन क्या होती है? जी इस गेम को मतलब बॉर्डर एरिया से बिलोंग करती हूँ तो मेरे लिए बहुत हार्ड था, डिफिकल्ट था। अगर पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता तो नहीं हो पाता मुझसे, क्योंकि उस जगह से निकल के आना और वहाँ लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बॉर्डर एरिया है तो वहाँ शेलिंग वगैरह वाला मसला भी होता है। तो मेरे पेरेंट्स, मेरे चाचू राजा मंजूर साहब, राजा नज़ीर साहब, उनने बहुत सपोर्ट किया, और मेरे घर वालों ने भी, पापा मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। राजा मंजूर साहब क्या जो फॉर्मर ये थे एमएलए? जी जी। अच्छा, ये बताएंगे मुझे कि क्या क्या मैसेज आप जो यंगस्टर्स हैं जो इस गेम में हिस्सा लेना चाहते हैं उनके लिए आपकी होगी? मेरी तरफ से तो मैं चाहती हूँ कि जो भी यंगस्टर्स हैं वो कोई भी मार्शल आर्ट वगैरह ज्वाइन करे। मतलब एक तो लड़कियों के लिए बहुत अच्छी चीज है, सेल्फ डिफेंस सीखता है इंसान, और आगे भी इसका बहुत स्कोप है, ये रिकॉग्नाइज्ड गेम है जो मैं खेलती हूँ पेंचिक्स लाट। तो ये बताएंगे डेली आप कितना प्रैक्टिस करते हो, कितनी मेहनत आप भी करते हो? डेली 3 घंटे प्रैक्टिस होता है हमारा। वहाँ पे जहाँ पे आप ठहरे हैं क्या बॉर्डर एरिया में कोचेज है आपके पास? जी वहाँ पे तो मैं वहाँ से शिफ्ट हो गई हूँ। जी जी जी, क्योंकि स्कूल लेवल पे खेला तो शिफ्ट होके मैं बड़गाम आ गई हूँ। अच्छा, आप किस क्लास में पढ़ते हो? जी 10th। 10th में। तो आपका एम अब क्या है, क्या आपका टारगेट आपके जहन में होगा, कहाँ तक आगे जाना चाहते हैं आप? इंशाल्लाह अभी तो मेरा नेक्स्ट इंटरनेशनल लेवल का टारगेट है, इंटरनेशनल में इंशाल्लाह गोल्ड हासिल करना है। अच्छा, आखिर पे ये बताएं कि स्पोर्ट्स काउंसिल की जानिब से कोई खास तावुन आपको मिला या कोई खास अपील जो आप यहाँ की इंतजामिया तक पहुँचाना चाहेंगे? जी जी, स्पोर्ट्स काउंसिल ने बहुत सपोर्ट करा और हम लोगों को किट वगैरह भी रिकमेंड करा है, उन्होंने हमें किट वगैरह भी दिया है, तो उनकी तरफ से भी बहुत ज्यादा सपोर्ट है हमें। चलिए, आपने फेडरेशन कप में जो गोवा में जनवरी के महीने में मुनाकिद किया गया था और आपने इसमें गोल्ड मेडल लाया, इस उम्मीद के साथ कि आप ज्यादा से ज्यादा मेहनत करोगे आने वाले वक्त में, और आप न सिर्फ टंगडार बल्कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का नाम भी रोशन करेंगे। परीसा निसार जी, आपने हमारे साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।